हेलो, मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मुझे कभी याद तक नहीं करती? आई एम सो सॉरी, मैं इन दिनों दिवाली की वजह से इतनी उलझी हुई हूँ कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। सारे घर की साफ सफाई जानती हूँ, मगर क्या पिछले 10 सालों में भी तुम्हें मुझसे मिलने या एक फोन तक करने की फुर्सत नहीं मिली? देखिए, मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ, कौन बोल रही हैं आप? बेटी, अपनी माँ से पूछ रही हो कि आप कौन बोल रही हैं? माँ? मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। देखिए, आपने रॉन्ग नंबर लगा दिया है। सॉरी। सीमा बेटी, आप मेरा नाम भी जानती हैं? कैसे नहीं जानूंगी, आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैडम, मैंने आपसे कहा ना, आपने रॉन्ग नंबर लगा दिया है। हेलो, मैं तुम्हारी, आप क्यों मेरा दिमाग खराब करती हैं? मैंने आपसे कह दिया ना, आप ये रॉन्ग नंबर है, फिर बार बार मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? सीमा बेटी, शट अप। मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा मजाक मत कीजिए, प्लीज। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। ऋषि, कोई मुझे फोन करके बार बार परेशान कर रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओहो, मामूली सी बात है। फोन पर कभी कोई किसी को परेशान कर सकता है? फोन का रिसीवर उठाओ, रख दो, झंझट खत्म। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों, क्यों नहीं कर सकती? इसलिए कि वो औरत कहती है कि वो मेरी माँ है। ऋषि, उसकी उसकी आवाज भी वैसी है। फिर वो तुम्हारी माँ ही होगी। क्या, क्या मतलब? अरे भाई, तुम्हारी माँ ने मुझे आज फोन किया था। हाँ? और उन्होंने हमें आज रात को खाने पे बुलाया है। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा भाई, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं तुमसे बात करूंगा। ऋषि, प्लीज मुझे परेशान मत करो। सीमा, तुम्हारी यही प्रॉब्लम है कि तुम जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाती हो। ओके, मैंने तुम्हारी माँ से कहा है कि हम आज रात के खाने पर आ रहे हैं। मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो, या तो फिर मुझे पागल करके छोड़ोगे। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम अपने मेके वालों के साथ ऐसे कैसे पेश आती हो। हमें तुम्हारी माँ के पास जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो मर चुकी है, हमारी शादी से बहुत पहले, 10 साल हो रहे हैं। कैंसर से हुई थी उसकी मौत। ऋषि, ये सब तुम अच्छी तरह जानते हो। सीमा, ये तुम अपनी माँ के साथ जाती कर रही हो। चलो जाकर उनको फोन करो। कहाँ फोन करूंगी? हाँ, हम लोग जहाँ रहते थे उस जगह तो बिल्डिंग खड़ी है, और ऐसा कोई नंबर नहीं जिस पर मैं अपनी माँ से बात कर सकूं, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। ऋषि, ये रहा तुम्हारी माँ का फोन नंबर, अच्छी तरह देख लो, ये रहा। ये तो मेरी माँ का नाम और नंबर है, ये सब क्या हो रहा है? जरूरी पुरानी डायरेक्टरी होगी। ओह गॉड, ये तो इसी साल की है। अब तो यकीन आया। ये लो, अपनी माँ को फोन करो। करो। सीमा,
सीमा बेटी, मैं जानती थी तुम मुझे फोन जरूर करोगे। कितने बजे आ रहे हो तुम लोग? क्या हुआ? हेलो बुआ, मैं सीमा बोल रही हूँ। क्या बात है बेटा, बोलो। बुआ एक बात बताओ, तुम तो जानती हो मेरी माँ गुजर चुकी है। हाँ, तुम्हारे लिए और प्रशांत के लिए तो मर ही चुकी है, वरना तुम लोग उसकी खबर ना लेते। बुआ ये तुम क्या कह रही हो, तुम जानती हो मेरी माँ 10 साल पहले ही मर चुकी है। हाँ, तुम दोनों के झगड़ों के बीच उसकी आत्मा तो सालों पहले ही मर चुकी है। तुम्हारी माँ की जब भी मुझे याद आती है दुख ही होता है। क्या बेचारी जवानी में ही विधवा हो गई और फिर तुम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया। तुम लोगों ने उसे ये सिला दिया, उसे जिंदा ही मार दिया। आजकल के बच्चों के दिलों में दया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है और उनके दिलों में माँ बाप की कोई इज्जत ही नहीं है। तुम दोनों तो मेरे बेटों से भी गए गुजरे हो। हेलो। हेलो रेणु, मैं बोल रही हूँ। अरे सीमा, मैं भी तुम्हें फोन करने की सोच रही थी। तुमने पढ़ा इस बार मैगजीन में पूजा भट्ट के बारे में क्या लिखा है? जानती हो उसने क्या किया? रेणु प्लीज, तुम थोड़ी देर के लिए पूजा, रवीना और ममता को नहीं भूल सकती क्या? क्यों नहीं भूल सकती? अच्छा लो, भूल गई। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। क्या हुआ? क्या ऋषिका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है? मैं जानती हूँ सीमा, ये सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। रेणु तुम्हें मेरी माँ याद है? याद है? मैं तो रोज ही उनसे फोन पर बात करती हूँ। बेचारी अभी भी उस घर में अकेली रहती हैं, मुझे बहुत दुख होता है। रेणु जब उसकी मौत हुई थी तो तुम भी वहां थी? मुझे अच्छी तरह याद है, मैं रो रही थी और तुमने ही मुझे संभाला था। सीमा ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें अपनी माँ के बारे में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मैं जानती हूँ तुम सब लोग मिलकर ये कर रहे हो, किसी के जज्बात से इस तरह खेलना अच्छी बात नहीं है। तुम जानते हो तुम्हारे इस मजाक ने मेरे दिल पर कितनी बड़ी चोट पहुंचाई है। ओह माय गॉड, ये तो वही घर है वैसे का वैसा। इतने दिनों तक इसलिए
इसलिए नहीं आई क्योंकि तुम खैर छोड़ो इन बातों को। मैंने तुम्हें यहाँ बीती बातें करने के लिए नहीं बुलाया है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि इस बार दिवाली हम सब साथ मनाएंगे। मैंने प्रशांत को और उसकी बीवी को भी बुला लिया है। दामाद जी को तो मैंने देखा नहीं, लेकिन फोन पे उनसे बात करके ऐसा लगा जैसे बड़े नेक इंसान हैं। वो रात को खाने पे आएंगे ना? हाँ मम्मी। दामाद जी को खाने में क्या पसंद है क्या नहीं पसंद ये तो बेटा मैं नहीं जानती, लेकिन प्रशांत की पसंद मैं जानती हूँ। तुम तो जानती हो उसे खाने का कितना शौक है। लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे इतना काम नहीं होगा। चलो आज हम दोनों मिल के खाना बनाते हैं। अरे अरे ये क्या कर रही है? तुझे तो चाय बनाना भी नहीं आता था। मम्मी प्लीज मुझे बनाने दो ना अपनी साइड से। देखो पहले थोड़ा तेल डालते हैं, उसके ऊपर थोड़ा गरम मसाला और फिर सब सब्जी और तेल नहीं नहीं घी डालेंगे। घी? हाँ। नहीं मम्मी आजकल घी कोई नहीं खाता, मोटे हो जाएंगे। ओफो जवाई साहब पहली बार आ रहे हैं और वो भी मेरे हाथ का खाना खाने के लिए। तू सर मैं बनाऊंगी। करो जो करना है। तेरा बचपना अभी भी नहीं गया, वैसी है पगली। अरे वाह ये साड़ी किसकी है? मम्मी की। अच्छी है ना? बहुत अच्छी। सुखी रहो बेटा। तुम जानते हो जब सीमा इतनी सी थी तो मुझे इसकी बड़ी फिक्र पड़ी रहती थी कि पता नहीं इसे कैसा पति मिलेगा। लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी सारी चिंता दूर हो गई। मैं तुम्हारे लिए ठंडा लेके आती हूँ। लगता है प्रशांत और बहू भी आ गए। देखो आज प्रशांत से झगड़ा मत करना। सौभाग्यवती रहो बहू। हेलो मम्मी। कैसी हो? नमस्ते माँ जी। कैसा है रे तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं ठीक हूँ बेटा। बहू ये तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं करता? क्योंकि बचपन में ये मुझे बहुत तंग करता था। ये और सीमा मिलके इतनी शैतानी करते थे कि पूछो मत। अच्छा अब तुम लोग बातचीत करो, मैं आती हूँ। ठीक है। फिर सुनाए जीजा जी क्या हाल है, कैसे आप? बिल्कुल ठीक, एकदम तंदुरुस्त। अरे वो तो होना ही है, दवाइयों की दुकान में बैठते आप, बीमारियों की ताकत कहाँ है जो आपके पास पहुँच पाए भाई। भाभी तुम्हारी बालियाँ बड़ी अच्छी है, कहाँ से बनवाई? तुम्हारे भैया ने बनाई थी दिवाली। अच्छा। ये साड़ी तुम्हारी तो नहीं है? कहीं मम्मी की तो नहीं? मेरी माँ के पास भी ऐसी एक साड़ी थी। आजकल ऐसी साड़ियाँ मिलती कहाँ है, है ना? बहुत प्यारी है। बहुत प्यारी साड़ी। अरे दूर किसी गाँव में किसी आदमी की मौत हो गई और यहाँ पर अफवाह फैल गई कि वो आदमी प्लेग से मरा है। और आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, बम्बई जैसे सिटी में लोग तो ऐसे एंटीबायोटिक्स पर टूट पड़े। मैंने तो सुना है कि एंटीबायोटिक्स के लिए कतार पे कतारें लगती थी केमिस्ट की दुकान के बाहर। आपकी भी तो केमिस्ट की दुकान है, काफी पैसे कमाए हो गए आपने। हाँ नहीं यार मैं किसी की मजबूरी का फायदा बिल्कुल नहीं उठा सकता। क्या बात। चलो भाई तुम लोग सब यहाँ इकट्ठे हो जाओ, यहाँ आके बैठ जाओ, मुझे तुम लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। प्रशांत और सीमा तुम लोग मेरे सामने बैठोगे। प्रशांत और सीमा मैं जानती हूँ तुम लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करते, एक दूसरे के घर भी नहीं जाते, यहाँ तक कि तुम लोगों ने भाई बहन का रिश्ता भी खत्म कर दिया है। लेकिन मैं एक माँ हूँ और बेटा कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि उसके बच्चे एक दूसरे से नफरत करें। मैं तो बेटा सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम लोग पिछली सारी बातें भूल जाओ। कैसे भूल जाऊँ मम्मी? मुझे आज भी याद है वो दिन जब तुम बीमार थी, पर ये इसे तो दोस्तों से फुर्सत ही नहीं थी, ना तो इसे माँ की फिक्र है ना घर की। किसको फिक्र नहीं थी, किसको फिक्र नहीं थी? मैं भी काम करता था, रात दिन काम करता था, फैक्ट्री में ओवर टाइम करता था। कोई के लिए? कोई ऐसा नहीं करते थे, मैं भी टाइपिंग करती थी, लेकिन तुम्हारी तरह बीमार माँ को घर में अकेला छोड़कर इधर उधर नहीं भटकती थी। अरे दरअसल
दरअसल में बात यह है कि मैं अपनी बीमार माँ को तड़पता हुआ नहीं देख सकता था। नहीं तो फिर उस दिवाली की रात जब तुम दोस्तों के साथ ताश खेल रहे थे, जब मैंने तुम्हें बताया कि मम्मी की तबीयत खराब है, तो क्यों नहीं आए? अरे मैंने सोचा कि तुम जरा जरा सी बात में घबराती हो, इसलिए मुझसे ऐसा कह रहे हो। फिर भी मैं आया था ना। मैं जानता हूं तब तक काफी देरी हो चुकी थी। सच पूछो तो जब भी कभी मेरी इस भूल को मैं याद करता हूं, मैं पछताता हूं। पूछो अपनी भाभी से पूछो, आज तक मैं रात को उठकर मैं फूट फूट कर रोता हूं। मैं गुजरे हुए वक्त को वापस तो नहीं ला सकते, हमारे बस की बात नहीं है वो। देखो सीमा, तुम माँ से जितना प्यार करती थी उतना ही प्यार मैं भी करता था, बिलीव मी। अच्छा अच्छा, आप झगड़ा मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तुम लोग सारे गिले शिकवे भूल कर पहले की तरह अच्छे भाई बहन बनकर रहो, ठीक है ना? और इस बार हम लोग दिवाली प्रशांत के घर पे मनाएंगे। लेकिन याद है ना, आज शाम हम सबको प्रशांत के घर जाना है। प्रशांत, तुम्हारा भाई? हाँ। ये क्या बात है, आज अचानक भाई की याद कहाँ से आ गई? कमाल है, कल रात ही तो मम्मी ने तुम्हारे सामने कहा था कि इस बार की दिवाली हम सबको प्रशांत के यहाँ मनानी है। एक मिनट, किसकी मम्मी की बात कर रही हो तुम? मेरी मम्मी, और किसकी? तुम्हारी मम्मी। क्या तुम जानती नहीं, तुम्हारी मम्मी तो हमारी शादी से पहले ही मर गई थी, और मैं तो तुम्हारी माँ से कभी मिला भी नहीं। लेकिन कल तो ओफो, मुझे दुकान जाना है। अगर तुम्हें प्रशांत के घर जाना है तो मैं शाम को जल्दी लौट आऊंगा। ओके, मैं चलता हूँ, बाय। बेटी, तुम्हारी आवाज़ तुम्हारी माँ की तरह ही बिल्कुल लग रही है। थोड़ी देर के मुझे लगा कि वो ही बोल रही है, लेकिन सीमा वो कैसे बोल सकती है, उसे तो मरे 10 साल हो गए। तू नहीं जानती कि हम दोनों ननन भाभी नहीं, पक्की सहेलियाँ भी थी। घंटों बैठ के बातें किया करती थी, मुझे आज भी ऐसे लगता है जैसे कि वो कल का ये दिन था। हेलो रेनू। अरे सीमा, तुम कैसी हो? तुमने तो आजकल फोन करना ही बंद कर दिया। तुम जानती हो सीमा, आज हमारे घर के पास शाहरुख खान, अनिल कपूर और सनी देओल तीनों के तीनों एक बुटीक की ओपनिंग के लिए आ रहे हैं। मैं भी वहीं जा रही हूँ। रेनू प्लीज, ये सब बातें हम बाद में कर सकते हैं। पहले मुझे ये बताओ कि जब मेरी माँ की मौत हुई थी तब तुम कहाँ थी? ये तुम्हें क्या हो गया, मैं तुमसे शाहरुख खान की बातें कर रही हूँ और तुम? रेनू प्लीज, मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। मैं वहीं तो थी तुम्हारे पास, तुम बहुत रो रही थी और मैं। हेलो सीमा, हेलो सीमा, मैं प्रशांत बोल रहा हूँ। प्रशांत? हाँ। अच्छा ये बताओ, शाम को तुम लोग आ रहे हो ना, तुम और जीजा जी? अरे बच्चे भी तुम्हें देखने के लिए बेचैन हैं, उन्होंने अपनी बुआ को देखा जो नहीं आज तक।
अच्छा ये बताओ जीजा जी वेज खाते नॉन वेज खाते? उनको तो सब चलेगा, मगर भाभी से कहना कि ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, समझे? अरे उसकी फिक्र मत करो तुम। अच्छा प्रशांत तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो ना। तुम्हारे घर आने का प्रोग्राम कब बना था? सीमा 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 मैं खुद ये सोचकर परेशान हूँ सीमा, है ना? ऐसा लगता है कि कल ही ये सब तय हुआ था। सीमा देखो तुम लोग आ रहे हो मेरे घर पे, आ रहे हो तुम और जीजा जी आ रहे हो, कैंसिल नहीं करना प्लीज। हाँ प्लीज डोंट थिंक एनीथिंग एल्स प्लीज। प्रशांत तुम्हें याद है कल क्या था? कल हाँ ओह माय गॉड प्रशांत कल माँ की बर्थडे थी। हाँ सीमा हाँ माँ की बरसी थी कल।